जजपुर सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहुरा गाड़ी उपरक बोमामाड़ इमान नगर निकट में दुर्बृत्त मैंने बोमामाड़ करते तेज एथिरे गाड़ी क्षतिग्रस्त होता बेले सर्वेश्वर बेहुरा गुरुतर आहत होते सांगे अन्य जन यात्री आहत होती गुरुतर अवस्था सूचना अधिकार कर्मी को अश्विनी हस्पिटाल मेडिकल को जहाँ स्थानांतर कर तेज बोमामाड़ कारण जमापड़ ना बेले घटना पर दुर्बृत्त मैंने फेरार हो जाते पुलिस पहुंच घटना तदंत जारी रखी तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित जाजपुर फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि परमेश्वर बेहुरा परमेश्वर पूरा घटना किभली थिला एवं वर्तमान जहाँ सूचना रही कि जी अच्छा कि सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहुरा वर्तमान अश्विनी हस्पिटाल को स्थानांतर कर सूचना आसी अवस्था किभ रही देखो विस्मी गत काली राति 9:30 समय तो इमान नगर रही धर्मशाला अंचल से गोटे अष्टपहरी को जोग देवाई जाते सर्वेश्वर बेहुरा ये सूचना अधिकारी कर्मी और ता सहित तो से बीजेपी जने तुंग नेता रही थे तो सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची विभिन्न समय जो आके माध्यम अनेक तथ्य से सामना को आनी तो काली राति किसी दुर्बृत्त बोमामाड़ करते अवस्था गुरुतर थी प्रथम धर्मशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को अणा जाता है जो डाक्टर मैंने अवस्था गुरुतर देखी से कटक स्थानांतरित करते कटक पहुंचला पर अश्विनी हस्पिटाल रखा जा चिकित्सा करेबर बामपट देहर बामपट सैड अधिक क्षताक्त हो तो डॉक्टर मैंने आशंका रखी थे जहां बाँ हाथ और अन्य किसी जगह पर अधिक आघात होती अश्विनी को ट्रांसफर कर तो वर्तमान सुधा जदि आम कहीपर अवस्था से भल ना अल्प संकटापन्न रही आम पाखे सूचना रही सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा रही जिते बारंबार जाजपुर जिले में गोटे मात्र कर्मी जी थे सर्वेश्वर बेहुरा प्रत्येक घटना पर संपूर्ण भाव में नजर रखुले अनेक घटना जो गुड़िक दुर्नीतिर मुखशला पाली से घटना उपुर से पर्दा हटाप सब चेषा करुले तेणु करश्चित भाव में आम कहीपर ए किसी दुर्बृत्त सहित किसी शासक दल हाथ थे बर्तमान सामना को आसू लोक स्थानीय अंचल से सब कथा शुणा को मिलू विस्मी परमेश्वर परिवार पक्ष की सूचना आसुची कि संदेह कर देखो परिवार पक्ष जेहेतु एत बड़ गोटे घटना परिवार सहित घटी जाती तेणुकर से समस्ते वर्तमान किपर भाव में सर्वेश्वर बेहुरा चिकित्सा सठिक ढंग से हम एवं किपर भाव में सठिक चिकित्सा मिल से समस्ते व्यस्तता भितर अच्छा तेज इतिम्धे से परिवार पक्षर कौन सूचना न मिलते भी सीधासख भाव यह स्पष्ट हो जानेक समय सर्वेश्वर बेहुरा रही मामू भणजा घाई कथा कहतु विभिन्न लघु खनिज संपद हरिलुट कथा कहतु कला पथर हरिलुट कथा कहतु विभिन्न हरिलुट पर्दाफाश करुले जो स्थानीय अंचल जो माफिया रही सक्रिय माफिया जो मानक कमने किसी मुष्टिमय लोक जो मैंने रही कार्य हो पारे बोल कि सीधा सड़क स्पष्ट भाव में बारी हो परमेश्वर आउ गोटे कथ जो आपड़े सूचना दौले आरटीआई तथ्य हूँ मामू भणजा घाई हूँ अनेक तथ्य को से सामना को आने यही स्थित गोटे कथा कहीपर कि जिते बड़े सत कथ तेरे पर आक्रमण हम तेज पुलिस प्राथमिक तदंतर एने कौन जी कह कार्यानुषान क्यों आड़े जा देखु पुलिस वर्तमान सुधा कौन प्राथमिक पर्यायर पहुंची ना कारण जेहेतु यह गोटे सूचना अधिकारी कर्मी और बीजेपी कर्मी आक्रमण हो यह जदि कौन शासक दल कर्मी होता तो निश्चित भाव में पुलिस तत्परता सहित आगक आसता आपत देखु पूर्व जिते भी घटना घटी धर्मशाला अंचल मामू भणजा घाई को विस्फोरक मध्यम उड़ागला जो एफआईआर टी करगला से एफआईआर टी गोटे अननोन पर्सन ना करगला ठीक सामान भाव में आम को जल जल की देखा जे ए घटना टी पुलिस से सठिक ढंग से नब जमी मामू भणजा घाई ने नहीं कौन आक्यूज को चिन्ह पार ना अननोन पर्सन भाव में क्या को गिरफ कर पार ना सीधा सड़क देखा जा कारण जाजपुर जिला वर्तमान जानी अन्यायर गोटे एंतुड़ीशाल पलटि प्रत्येक ब्लॉक एवं प्रत्येक निर्वाचन मंडल यह परिपुष्टित होती तेणु करदी सर्वेश्वर बेहुरा युर पर्दाफाश करती निश्चित भाव में शासक दल विभिन्न प्रकार अंकुश उठ तेणु करपर भाव में
ରାସ୍ତାରୁ ହଟା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମସୁଦା। ତେଣୁ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ଆଜି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯାଜପୁରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା କି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଏଠି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯଦି ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଏବଂ ଛୋଟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବାର ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେସ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାର ସଠିକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ତଥ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯଦି ଜଣେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳଜଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ଚାପି ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏସପିଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲାଗିଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର ସମୟ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଢୁଛି। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି କରିକି ତିନିଟା ବୋମା ଫିଙ୍ଗି କରିକି ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲାନି? ନିହାତିରେ ପରମେଶ୍ୱର, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।